ये पुलिया 7 साल में ना बनके बहुत जल्दी समय से बन गई है। वास्तव में ये एक उपलब्धि है जो कि राजनीतिक भेद नहीं चढ़ी। काशीपुर पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनीति की भेंट नहीं चढ़ा है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं सुरागीलाल न्यूज चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत कह सकते हैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि काशीपुर की एकमात्र जिंदा बची रोड जो काशीपुर की लाइफलाइन है इस समय, मैं बात कर रहा हूँ काशीपुर चीमा चौराहे से लेके जो कुंडेश्वरी की तरफ सड़क जा रही है उस सड़क की, तो उस क्या जो निर्माण था वो चंद महीनों में पूरा हो गया। क्योंकि काशीपुर के विकास की हम बात करें तो यहाँ हर विकास को सालों लग जाते हैं, ये तो आपने भी देख लिया होगा। लेकिन इस पुलिया को जो कि एकमात्र सड़क बची थी, ट्रैफिक को बड़ी मुश्किल से व्यवस्थित किया गया था, जो पूरा रूट था उसको डाइवर्ट किया गया था, साइडों से जो है आवागमन चालू था, ऐसे में इस सड़क का पूरा होना, इस पुलिया को दोबारा से निर्माण की ओर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन काशीपुर के कुछ सामाजिक संगठन के लोगों का, काशीपुर के विपक्ष का ये कहना है कि शुक्र है कि यह जो पुलिया है ये राजनीतिक भेंट नहीं चढ़ी और विभागों द्वारा पूर्ण कर दी गई। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक चीज जो देखने मिल रही है सड़क के चालू होने से, ये तो दिख गया कि काशीपुर में विभागों द्वारा काम किया जा सकता है और विभागों की इस चीज को लेके सराहना भी हो रही है, तारीफ हो रही है। सुनते हैं काशीपुर के लोगों का क्या कहना है। सर्वप्रथम तो मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते सभी काशीपुर वासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये पुलिया 7 साल में ना बनके बहुत जल्दी समय से बन गई है। शहर में इस पुलिया के बनने के कारण माहौल मिठाई बांटने का, आतिशबाजी फोड़ने का और खुशियां मनाने का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आरओबी की तरह 7 साल में ना बनके और ना ही राजनीति की भेंट चढ़ी है और यह प्रशासन के द्वारा जल्दी बनाई गई है। यह कह सकते हैं त्वरित कार्रवाई के कारण प्रशासन की यह पुलिया का निर्माण जल्दी हो सका है, जिससे जो काशीपुर की लाइफलाइन है वो अव्यवस्थित ना होकर व्यवस्थित हो गई है। इस पुलिया के निर्माण कार्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सारे काम जितने भी काशीपुर के विकास के कार्य हैं सब प्रशासन के और विभागों के हाथ में चले जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं या मेयर साहिबा हैं या जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं या कारिंदे हैं, उनके हाथों में जो भी काम चला जाता है वो 6 महीने का काम कई सालों में पहुंच जाता है। और पिछले 20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि काशीपुर में विकास नहीं हो पा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी और मेयर साहिबा हैं। हम ये अपने साथियों के साथ सोचते हैं कभी कभी कि अगर इस कामों के लिए हमें मंदिर में जाके ये प्रसाद चढ़ाना पड़ जाए कि ये काम विधायक और मेयर साहिबा या सरकार के हाथ में ना आके प्रशासन के हाथ में दे दिया जाए काशीपुर का विकास, तो मैं सोचता हूँ कि काशीपुर का विकास प्रशासन और विभाग इन लोगों से बेहतर या कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से काशीपुर का विकास कर सकता है, और काशीपुर का विकास इन प्रशासन के ही हाथ में आ जाना चाहिए, इन लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं ये काम को देखते हुए प्रशासन की तारीफ नहीं करता हूँ या अधिकारियों की तारीफ नहीं करता हूँ, मुझे इस काम को देख के ऐसा लगता है कि जो इनकी नीति है हमारे जनप्रतिनिधियों की, ना करूँगा, ना करने दूंगा, ना किसी और को आगे आने दूंगा, वो स्थिति देखकर ये लगता है कि प्रशासन जो कार्य कर रहा है अच्छा कर रहा है, प्रशासन को आगे आना चाहिए, पॉलिटिकल दबाव में नहीं आना चाहिए विकास के कार्यों में, और अपनी तरफ से काशीपुर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए जो भी कर सकता है प्रशासन या अधिकारी उन्हें करना चाहिए, उसके लिए आम जनता उनका हमेशा उनके पीछे रहेगी, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी और जिसको वो आवाज़ देंगे वो सब उनके साथ खड़े मिलेंगे। आपका इशारा कुंडेश्वरी रोड पर जो बनी पुलिया के बारे में है, वास्तव में ये एक उपलब्धि है जो कि राजनीतिक भेद नहीं चढ़ी। ये जिस साल में हालत में ठेकेदार ने सिंचाई विभाग के ये छोड़ी थी और यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं डाला था, उस हिसाब से ये काम 6 महीने में होना चाहिए था, जो ये 1.5 महीने में इन्होंने सड़क चालू कर दी है। इसमें सिंचाई विभाग का भी और SDM साहब का भी और पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बड़े तन्मयता से, हालांकि इसके बीच में बारिशें भी बहुत आई, व्यवधान भी पड़ा, पर ये समय से ये पूरा हो पाया, क्योंकि ये पुलिया एक बड़ी महत्वपूर्ण पुलिया है। ये काशीपुर को 2 भागों में जोड़ती है, पूरब और पश्चिम में, सारा लोड इसी के ऊपर था और ट्रैफिक भी नहीं रोका गया है, सबसे बड़ी खास बात है।
नमस्कार, व्यापार मंडल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। काशीपुर पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनीति की भेंट नहीं चला है, जिसकी उदाहरण यह है कि आपका जो सानी रिसॉर्ट के पास जो पुलिया है, काशीपुर की एकमात्र रास्ता जो आवाजाही के लिए रास्ता चालू था, तो उसकी पुलिया बन के कम्प्लीट हुई है, जिसके मुख्य आभार जो हम मैं देना चाहूँगा SDM साहब और प्रशासन को देना चाहूँगा, जिनकी वजह से पहली बार 1 से 1.5 महीने के अंदर वो पुलिया तैयार होकर चालू हो गई, रास्ता तैयार हो गया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।